जी नमस्कार, मैं हूँ राज पटेल और आप देख रहे हैं लेट से स्टडी विथ नीतीश राशि। तो फिर से मेरे चैनल पर कल जो पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि भारत के विस्तार और उसके बारे में बताए थे कि देशांतर अक्षांशन में कितना फैला हुआ है ना, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसके आसपास जो नेबर कंट्री है उसके बारे में बताए थे, ठीक है। और भी बताए थे तटीय रेखा और स्थलीय रेखा कितना, मतलब स्थलीय कितना है, किलोमीटर है, और तटीय में कितना फैला हुआ है। तो ये भी बताए थे कि सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र कौन है, तो भारत का समुद्री तटीय, तो वो हो गया आपका गुजरात था, छोटा कौन था, गोवा था। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं कि ज्योग्राफी का सेकेंड क्लास की तरफ। तो अब है कि भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु को हम कन्याकुमारी है, किंतु भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो ग्रेट निकोबार में स्थित है, जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। भारत का उत्तरतम बिंदु यानी सबसे उत्तर में बिंदु को हम इंदिरा कौल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा कौल। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत के थे, उन्हीं के नाम पर ये दोनों नाम रखा गया, जो कि J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। और सबसे पश्चिम बिंदु की बात किया जाए तो गुहार मोता है, गुहार मोता है, जो गुजरात स्टेट में होता है। कहाँ है? गुजरात स्टेट में पड़ता है। जबकि सबसे पूर्वी को किबिथू कहते हैं। क्या कहते हैं? किबिथू, जो अरुणाचल प्रदेश में है। ऐसे भी अरुणाचल प्रदेश इंडियन मैप के अनुसार ये पूरब में है। भारत की स्थलीय सीमाएं 7 देशों से मिलता है, ठीक है। कहाँ कहाँ? उत्तर में चीन तथा नेपाल, उत्तर में चीन तथा नेपाल, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार, जिसको हम बर्मा भी बोलते हैं। पिछले क्लास में हम मैप में बता दिए थे कि म्यांमार कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ पर पड़ता है, बांग्लादेश कहाँ पड़ता है, मैप के, इंडियन मैप के नाइबर कंट्री में कहाँ कहाँ पड़ता है, उसको हम कल बताए थे। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर, देखिए पाकिस्तान एवं बांग्लादेश जो है का जो क्या कहते हैं सीमा है वो कृत्रिम है, इसीलिए इसको छोड़कर अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान एवं म्यांमार के साथ प्राकृतिक सीमा है। आपको कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कृत्रिम सीमा किसके किसके बीच में होता है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश आता है, ठीक है। इसके बाद जो अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार है, ये प्राकृतिक सीमा है, नेचुरल लाइन है, ठीक है, बॉर्डर है। अच्छा, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर के राज्य से एक राज्य अलग हुआ, लद्दाख, जिसका जो है सीमाएं चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लगी हुई है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आप पॉज करके एक दो बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, और नोट करते जाइएगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंस पॉइंट आपको हम लिख देते हैं बोर्ड पर, ठीक है, और समझा देते हैं। भारत तथा पड़ोसी देशों के साथ सीमा रेखाएं, यानी इंडिया एंड नाइबर कंट्री, विथ नाइबर कंट्री के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है, वो चीज़ को हम क्या क्या बोलते हैं। एक दुरंध रेखा है, दुरंध रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा को बोला जाता है, ठीक है, मध्यस्थित सीमा रेखा है। आज़ादी से पूर्व जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय जो है ना भारत और अफगानिस्तान के को ही हम दुरंध रेखा माना जाता था, उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है। तो दुरंध रेखा को अभी जो है किसको माना जा रहा है? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को। और जब आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश भारत था, उस समय
भारत एवं अफगानिस्तान को ही दुरंड रेखा माना जाता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा क्या था? यह चीन और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगा हुआ है। ठीक है, इसका निर्धारण 1914 ईस्वी में हेनरी मैकमोहन ने किया था, जो शिमला समझौता के समय हुआ था। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और वहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, शायद मैं भी। ठीक है, अब देखिए, अगर पूरे भारत एवं चीन से लगे रेखा को हम मैकमोहन रेखा नहीं कहेंगे, पूरे भारत और चीन की रेखा, चीन से लगे रेखा को हम मैकमोहन रेखा नहीं कहेंगे, याद रखिएगा। पूरे भारत नहीं, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश से ही लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और उसके बाद हम आगे बताएंगे। ठीक है, मिटाते हैं। अब है रेड क्लिप रेखा। ये रेड क्लिप रेखा जो है, ये मेनली भारत एवं पाकिस्तान के बीच मध्य सीमा रेखा है। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण इसे 1947 ईस्वी में रेड क्लिप ने 1947 में रेड क्लिप ने रेड क्लिप ने इसे बनाया। ठीक है, तो रेड क्लिप रेखा जो भारत में पाकिस्तान के मध्य रेखा है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर रहा है, इसे हम रेड क्लिप लाइन कहते हैं। रेड क्लिप जो है, महोदय ने 15 अगस्त कब, यहाँ पर लिख लीजिएगा, 15 अगस्त 1947 में रेड क्लिप ने ये बांटा। क्या किया? बांटा आपस में दोनों का, सीमा रेखा को बांटा। अब पढ़ेंगे भारत देश से लगे हुए विदेशी सीमा, हमारे राज्य से जो स्पर्श करती है, उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंस राज्य के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आप बने रहिए, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, भारत के पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य की बात करें तो पाकिस्तान से कौन कौन करता है हमारे राज्य? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात। ठीक है, अब देखिए चीन से क्या कौन करता है? लद्दाख भी करता है, जम्मू एंड कश्मीर भी करता है, हिमाचल प्रदेश करता है, यूके यानी उत्तराखंड, ऐसा नहीं कि यूके मैंने यूनाइटेड किंगडम कर दीजिएगा, सिक्किम हो गया, और ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका राजधानी कहाँ है? ईटानगर। म्यांमार की बात कर रहे हैं, म्यांमार भी एक देश है, बर्मा। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम। ठीक है, बांग्लादेश, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, नागालैंड एंड डब्लू यानी वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब आइए नेपाल। नेपाल से कौन कौन राज्य भारतीय करता है? यूके यानी उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड डब्लू बी यानी वेस्ट बंगाल। ठीक, अब आइए भूटान, सिक्किम, डब्लू बी यानी वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश स्पर्श करती है। भारत के पड़ोसी देशों से घिरे हुए भारत के राज्य, मतलब कि पड़ोसी देश से घिरे हुए
हमारे राज्य कौन कौन है, जैसे सिक्किम से कौन कौन टच करता है, सिक्किम से करता है नेपाल, चाइना, अरुणाचल प्रदेश एंड भूटान। क्वेश्चन आप समझ लीजिए, यहाँ पर कहा कि भारत के पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करने वाली भारतीय राज्य, मतलब पड़ोसी जो देश है ना उसका सीमा को टच करने वाला हमारा राज्य, तो हम बता दिए। अब क्या क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश यानी भारत के जो पड़ोसी देश है से घिरे हुए भारत के राज्य, उससे घिरे हुए है आसपास है, जैसे सिक्किम से कौन कौन घिरे हुए, कौन कौन राज्य, कौन कौन देश है, नेपाल है, चाइना है, अरुणाचल प्रदेश है, भूटान है, डब्लू बी यानी वेस्ट बंगाल किस किस देश से घिरे हुए, नेपाल है, घिरे हुए है नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, लद्दाख कौन है, चाइना है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। ठीक है, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो हम फट से पहला नंबर में बता देते हैं राजस्थान। उसको अब जो है कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो अब ऐसे नहीं पूछता, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है इंक्रीजिंग में, बीपीएससी में शायद 64वीं में पूछा था क्वेश्चन कि हमारे भारतीय राज्यों में जो जनसंख्या के दृष्टि से आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, तो दे दिया था जैसे बिहार दे दिया था, वेस्ट बंगाल दे दिया था, यूपी दे दिया था, महाराष्ट्र दे दिया था। तो इसको अगर जनसंख्या में हम सजाना चाहेंगे अगर डिक्रीजिंग में, तो पहले क्या होगा यूपी, उसके बाद क्या होगा महाराष्ट्र, उसके बाद क्या होगा बंगाल, सॉरी बिहार होगा, उसके बाद बंगाल होगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से है। तो अब देखिए भारत के अगर राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाए तो पांच राज्य बड़े राज्य हैं। पहला क्या है, राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद है आपका महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि 2 जून 2014 में शायद आपको मालूम होगा कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो निकल गया था, तो इससे पहले आंध्र प्रदेश जो है ना चौथे नंबर में आता था, अब ये पांचवें नंबर में आ गया चूंकि तेलंगाना बाहर हो गया, निकल गया, ठीक है, अलग राज्य का गठन हुआ, तो ये चौथे नंबर में था। तो अब आ गया राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र प्रदेश। ठीक, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य की बात किया जाए तो गोवा, और जनसंख्या के दृष्टि से बात किया जाए तो वो सिक्किम है। ठीक है, और राज्य और केंद्र शासित राज्य, मतलब कि राज्यों को मिला दीजिए और केंद्र शासित राज्य की बात किया जाए, तब अगर आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो लक्षद्वीप है। क्या है, लक्षद्वीप है। तो हम आई होप आपको बहुत अच्छा से समझ आता होगा, और आपको ये जो इम्पोर्टेंस फैक्ट आप जानकारी ले रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता होगा। तो इसी कड़ी में थोड़ा सा और कुछ पॉइंट लेते हैं और आपको समझाते हैं, बने रहिएगा, इसको मिटा देते हैं। तमिलनाडु, तो देखिए सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाले राज्य यूपी है, जो 8 स्टेट और एस मैंने स्टेट, यूटी मैंने यूनियन टेरिटरीज के साथ सीमा बनाती है। अब कौन कौन है, उत्तराखंड है, एचपी में हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, एमपी, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ठीक है, इसके बाद बिहार है, एक है, एकमात्र है न्यू दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी में आता है। ठीक है, अब आइए भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ है, और सबसे छोटा राज्य की जिला की बात करें तो पौडुचेरी के माहे होगा, कहाँ है, माहे है। ठीक है, दादर नगर हवेली महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों की सीमा पर स्थित है, महाराष्ट्र और गुजरात के सीमा पर स्थित है। और एक तो बहुत सरप्राइज बात है कि देखिए पांडुचेरी के कुछ जिला जो है देखिए किस प्रकार है, एक माहे है वो केरल के सीमा पर पड़ता है, बताइए, यनम जो है आंध्र प्रदेश के सीमा पर पड़ रहा है, और पौंडीचेरी एवं कराईकल जिला जो है वो तमिलनाडु में होता है। तो इसका जितना भी जिला है अलग अलग स्टेट के सीमाओं पर पड़ती है। ठीक है, पौंडीचेरी
जो केंद्र शासित राज्य है। सबसे बड़ा बात है कि इसमें इसमें जो है ये जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, एक द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में है और एक तरफ जो है हिंद महासागर के तरफ है। हालांकि लक्षद्वीप जो है हमारे ही देश का भाग है, ठीक है। तो इस तरह से हम ज्योग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंस फैक्ट बताने की कोशिश किए और आप समझे भी होंगे। तो इसी तरह के सीरीज इसका चलते रहेगा और आप देखिएगा बहुत ज्योग्राफी का जो है ना बहुत अच्छा से बहुत इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस फैक्ट जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अच्छा साबित होगा हम आगे बताते ही रहेंगे। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, कंटिन्यू रहिए और कंटिन्यू रहिएगा तो हम आपको ये सिविल सर्विसेज के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंस है, हम आपको पूरे हिम्मत के साथ और विश्वास के साथ हम आपको दिलाना चाहते हैं कि आप अगर ये पढ़ के जाइएगा तो आपको अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछता है तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हम पूरे विश्वास के साथ बोलते हैं। आप इस सीरीज को कंटिन्यू करिएगा, मेरा वीडियो बार बार देखिएगा और तब आपको पता चलेगा कि सच में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा। और आप नोट्स भी बनाते जाइएगा साथ साथ, ठीक है। तो ठीक है, आप आज यहीं तक मेरे तरफ से। आप तब तक घर में रहिए, खुशी रहिए। और एक बात और कि आप लोग अगर 18 प्लस एज का हैं तो आप ज़रूर वैक्सीनेट कराइए, हम लोग भी वैक्सीनेशन कराएं, डरिए नहीं, ये भारत के वैज्ञानिक पर विश्वास रखिए और आप वैक्सीनेशन कराइए, ठीक है। तो धन्यवाद, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।